अपराध बेलगाम है। अपराधी लगातार घटना को अंजाम देकर प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में नालंदा जिले के राजगीर में दिन दहाड़े एक किशोरी को कार सवार बदमाशों ने पहले अगवा किया और फिर उसे सड़क किनारे फेंक दिया। राजगीर थाना की पुलिस को किशोरी सड़क किनारे नशे की हालत में मिली। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पीड़िता करीब 10 बजे घर से बाहर निकली, जहां पहले से घात लगाए बदमाशों ने उसे जबरन गाड़ी में बिठा लिया। इसके बाद उसे नशे का इंजेक्शन दिया गया, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं। हालांकि पीड़िता ने दुष्कर्म की घटना से साफ इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। घर से निकले से अंतर दर निकल ले तो मुसारी तक गए ना, तब वो बलोरे आया। बलोरे रोक के हमको पकड़ लिया, मुंह मोड़ के बैठा के सुई दे दिया। तो फिर हमारा पता ना। रांची के कोतवाली थाना में पुलिस कस्टडी के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। दरअसल पुलिस ने सोमवार की रात मारपीट और चोरी के आरोप में नामकुम के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया और मंगलवार की सुबह उसकी मौत की खबर सामने आने के बाद मृतक के परिजनों ने थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं बल्कि परिजनों ने मृतक के शव को गली मोहल्लों में घुमाया और पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। फिलहाल इस मामले में पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर मृतक से मारपीट कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस के वरीय पदाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। उसको चोरी के इल्जाम में उसको फंसा कर रात भर इतना पीटा है कि वो जब उसको पुलिस लाया गया यहाँ थाना में, थाना वाला भी इसको मारा गया और मर गया, यही थाना में ही मरा है। तो हम लोगों को इंसाफ चाहिए। उसका घर में कोई नहीं, उसका बाप भी मर चुका है, तेरा काम करती है उसकी माँ। अब उसको शासन प्रशासन यही होगा कि उसको अब उसका जुर्माना आपको देना होगा और जो खूनी है उसको पकड़ करके अंदर करिए। बिहार में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर प्रशासन को खुली चुनौती दी है। राजधानी पटना के कदमकुआं में लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने एक युवक पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। वहीं यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार अपराधियों की तलाश कर रही है। जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के गिज्जी गांव में जमीन विवाद को लेकर एक युवक ने अपने चाचा को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कई दिनों से जमीन विवाद को लेकर चाचा भतीजे में कहासुनी चल रही थी, जहां गुस्से में आकर आरोपी ने अपने ही चाचा को गोली मार दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। भले ही बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की सरकार दावा कर रही है, मगर ये दावा सीएम के गृह जिला नालंदा में ही खोखला साबित हो रहा है, जिसकी बनगी मंगलवार को बिहार शरीफ सदर अस्पताल में देखने को मिली, जहां आराम फरमा रहे डॉक्टर ने एक बीमार मासूम को देखना मुनासिब नहीं समझा। दरअसल अपनी 4 वर्षीय बीमार बच्ची का इलाज कराने पहुंचे एक शख्स ने अस्पताल का पूरा चक्कर लगा लिया, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उसे नहीं देखा। आखिरकार बच्ची की हालत जब ज्यादा बिगड़ गई तो परिजन उसे निजी क्लिनिक लेकर चले गए। इस बात की जानकारी मिलने के बाद जब नेशन न्यूज की टीम सदर अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर साहब को ड्यूटी के दौरान मच्छरदानी के भीतर आराम करता पाया गया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलती ये तस्वीर पूरे सिस्टम पर एक तमाचा है। हॉस्पिटल में आए तो मैंने इन्हें से भेजाते हैं, उन्हें से भेजाते हैं, उन्हें कोई देखे लबलदार नहीं है। बच्चा सीरियस है? हाँ, बच्चा सीरियस है। कितना देर से घूम रहे हैं आप? अभी मैंने आप पौन घंटा आधा घंटा से घूम रहे हैं इन्हें से ने। कोई डॉक्टर है ये नहीं। कहाँ से है? बेगूसराय जिले के पोखरिया में सीवरेज निर्माण का काम कर रहे मजदूर की मिट्टी के नीचे दब जाने से मौत हो गई। मृतक मजदूर फुलन चौधरी खगड़िया जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। कि जेसीबी मशीन से नाले की ड्रेसिंग की जा रही थी और इसी दौरान अचानक मिट्टी धंस गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के गृह जिला कटिहार में अपराधियों ने सीएसपी संचालक अमित कुमार को गोली मारकर लगभग 4 लाख रुपए लूट लिए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि संचालक बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहा था, इसी दौरान बाइक सवार दो अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया।
गोली लगने से जख्मी संचालक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं पुलिस के मुताबिक घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और उसी आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। कल रोशना बाजार के अमित कुमार नाम के जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, वह कटिहार बाजार से ICICI बैंक से 3,90,000 रुपया लेकर के वह काला रंग के वह अपने मोटरसाइकिल से निकल रहे थे। उसी क्रम में भट्टा टोल के पास एक काला रंग के हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर ओवरटेक कर उनको वह बैग छीनने का प्रयास किया, जिसका जमुई में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। ये अभियान झाझा के मुख्य मार्गों में चला, जहां स्थायी रूप से कब्जा किए हुए दुकानदारों को हटाकर इलाके को अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस दौरान अंचल अधिकारी अमित कुमार रंजन ने कहा कि जितने भी सब्जी और फल विक्रेता हैं, सभी के लिए टाउन हॉल में जगह दी गई है। उन्होंने सभी से निर्धारित जगह पर दुकान लगाने की बात कही है। सर, कई जगह देखा जा रहा है कि सर लोग मतलब जमीन सड़क पर ही सर निर्माण कर चुका है, वो सारा में जेसीबी लगा के कब से तोड़ा जाएगा। आज जो अस्थायी कंस्ट्रक्शन था उसको हटाया जा रहा है, पर जो भी सहरसा जिले के नगर परिषद क्षेत्र में नाला निर्माण में बाधा बन रहे 32 दुकान मालिकों को दुकान हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके बाद गुस्साए दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर समाहरणालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर अल्टीमेटम वापस लेने की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि 30 सालों से जिला परिषद से आवंटित दुकानों को वे चला रहे हैं, ऐसे में अचानक दुकान हटाने से उनके जीवन यापन पर असर पड़ेगा। बाजार में हम लोग 98 से दुकान कर रहे हैं। ये दुकान हम लोग जिला अधिकारी के तहत ही अलॉटमेंट हुआ था और ऑफर राशि दे के हम लोग दुकान लिए थे और 23 साल से आज वहाँ हम लोग दुकानदारी कर रहे हैं और 7 तारीख के पेपर में आया है कि ये दुकान टूटेगी। तब से हम लोग हताश हैं कि हम लोग का क्या होगा, हम लोग रोड पर आ जाएंगे। अब 23 साल वहाँ मैंने गुजारा है और जिला परिषद को हमने भाड़ा दिया है। बाढ़ कोर्ट में अधिवक्ता संघ ने मंगलवार को कामकाज ठप रखा है। वकीलों का कहना है कि बाढ़ के कई मामलों की सुनवाई पटना के कोर्ट में होती है, इस वजह से वकीलों के साथ पीड़ित पक्ष को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके मुताबिक बाढ़ कोर्ट में SC ST और एक्साइज से जुड़े मामलों की सुनवाई आसानी से हो सकती है, बावजूद इनसे जुड़े मामले पटना ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। उन्होंने पटना हाईकोर्ट और बिहार सरकार से ये मांग किया है कि ऐसे मामले की सुनवाई बाढ़ कोर्ट में ही कराई जाए, वरना वो काम बहिष्कार जारी रखेंगे। 100 किलोमीटर दूर हमारे मुवक्किलों को जाना पड़ेगा, ये कहां से सही निर्णय होगा? हमारे न्यायालय से, बिहार सरकार से मांग है कि NI एक्ट, एक्साइज एक्ट, जो भी ऐसे मामले हैं उनका निपटारा कैसे यहां पे हो इसका सुनिश्चित किया जाए। तो आज क्या सांकेतिक हड़ताल किया गया क्या? आज हम लोग नालंदा के अस्थावा थाना क्षेत्र से एक युवक मधु यादव बीते 6 फरवरी से लापता है। परिजनों का कहना है कि एक कार्यक्रम में भोज खाने के लिए मधु घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने गांव के कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। परिजनों का कहना है कि जमीन के लिए काफी दिनों से कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा है, इसी वजह से गांव के रहने वाले गुड्डू और विजय यादव ने उसे भोज खाने के लिए आमंत्रित किया और उसके बाद से वह लापता है। 1 महीना गुजर जाने के बाद भी पुलिस अंधेरे में तीर चलाने में लगी है। वहीं परिजनों को मधु की हत्या का डर भी सता रहा है। कारण तो लग रहा यही कि मेरा बच्चा का फ्रेंड करके ले गया, मार दिया है, आखिर जीता रख ले है, अभी कोई सूचना नहीं मिल रहा, प्रशासन भी कुछ कड़ाई नहीं कर रहा। की बहाना से ले गया? ले गया तो बहाना से कि मुर्गा और ऐसे कि दारू के बहाना से ले गया, 4 बजे बुला करके। तो विवाद हुआ था क्या? विवाद तो है ही था, जमीन विवाद है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। औरंगाबाद पुलिस ने कोढ़ा गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक चोरी की बाइक और कई फर्जी सिम कार्ड को बरामद किया गया है। घटना के बारे में सदर SDPO ने बताया कि 2 संदिग्ध व्यक्ति सड़क पर काफी देर से घूम रहे थे, जिन्हें शक के आधार पर स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की तो उनकी पहचान कोढ़ा गैंग के सदस्यों के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी की है।